यार इसको कैसे लगाए। ऑन द रोड टू स्पिति, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ये मैं सोच रहा था ये मैं लगाऊंगा अलॉय व्हील, बट रोड कंडीशन, मेरा जो दोस्त है जो रोड कंडीशन मुझे फोटोग्राफ भेजा है वो देख के लग नहीं रहा है कि मैं ये लगा पाऊंगा, क्योंकि ये लगाऊंगा तो डेफिनेटली डैमेज इट। और ख़ास करके रोड फ्रॉम चंद्रताल टू मनाली, इट्स हॉरिबल। 50 किलोमीटर जाने में कुछ 7 घंटा लग रहा है। द रोड इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग, सो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम नॉट फिटिंग इट राइट नाउ अवे। डेफिनेटली मैं टायर्स में लगा रहा हूँ, यहाँ पर टायर्स है बिकॉज बिना टायर का मैं नहीं चल पाऊँगा, तो ये मैं लगाऊंगा वापस आने के बाद। फिलहाल तो आपको मैं रूट प्लान दिखाता हूँ, जनरली उसको आराम से रखते। ओके, सो द एंटायर रूट प्लानिंग आई हैव डन ऑन द व्हीकल, सो दैट मैं कहीं पे भी पास करूँ पीपल डू सी। सो 27 को मैं रात को 12 बजे निकल रहा हूँ बैंगलोर टू नागपुर। 1100 किलोमीटर एक दिन में कवर करना है। अगले दिन मुझे निकलना है नागपुर टू आगरा, विच देखे 900 किलोमीटर्स। आगरा टू मनाली, आगरा टू मनाली इज एक इन अनदर 650 किलोमीटर्स। मनाली टू रोहतांग वुड बी समवेयर अराउंड 70-80 किलोमीटर्स। वहाँ से कुनसुम पास होते हुए आई विल रीच स्पीति, विच इज़ कॉल्ड काजा। तो ये फ्रॉम मनाली टू काजा इज़ अराउंड 202 किलोमीटर्स। यहाँ से मैं जरा चिटकुल होके, टैबू होके, लोसर होके, सुंदो होके, कल्पा होके, नरकंदा, शिमला। सो फ्रॉम काजा टू शिमला इज़ अगेन अनदर 400 किलोमीटर्स। एक दिन मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। सो नाइट स्टे वुड बी डूइंग इन चिटकुल, सॉरी दिस नॉट चिटकुट, इसको मुझे ठीक करना है, इसको मुझे एल करना है। सो गाइज दिस इज चिटकुल, KUL, ये मुझे ठीक करना है। एंड फ्रॉम शिमला टू अमृतसर इज अगेन अनदर 650 किलोमीटर्स। वहाँ से जयपुर इज़ अराउंड 900 किलोमीटर्स। जयपुर टू इंदौर इज़ अराउंड 550 किलोमीटर्स नाइट स्टे करना है। वहाँ से पुणे इज़ अगेन 600 किलोमीटर्स। फ्रॉम देयर पुणे टू बैंगलोर वुड बी समवेयर अराउंड 800 किलोमीटर्स। तो ये मेरा कंप्लीट ट्रैवल आइटनरी बन गया। ऑन द मूव यू गाइज कैन सी मी, एंड प्लीज़ नॉट फर्गेट टू गेट अपडेटेड ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज़ ऑन हिज बाइक 390, जो मैं हमेशा अपडेट करता रहूँगा। कि ओके, हाउ इज़ दिस एंगल, ये एंगल सही होगा राइट। और ऑफ रोडिंग होता है ये पानी का, जब छीटे, जब वाटर क्रॉसिंग होगा और ये कैमरा के ऊपर गिरेगा, दिस विल लुक ऑसम, और वीडियोग्राफी भी मेरा अच्छा होगा गाइस। सो दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे एक डोर फ्रेम में इधर एक लगाया, उधर एक लगाऊंगा माउंट, सो दैट यू गाइस कैन एंजॉय द ड्राइव टू लाहौल एंड स्पीति। सो अभी मैं चलता हूँ फटाफट टायर लगाने, बिकॉज दिस टायर्स आर नॉट ग्रेट। और इसके साथ साथ मैं रिम फिलहाल, एज आई सेड, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई विल कीप इट ऑन द स्टॉक रिम। और आगे चलते फिर बाद में जाके रिम चेंज करेंगे, व्हेन आई कम बैक, नॉट नाउ। गॉट डन विद द टायर चेंजिंग प्रोसेस, वो हो गया। जो ओल्ड वाला टायर्स थे देवर आस्किंग फॉर फ्री, मैं सोचा क्यों फ्री में दूँ मैं, तो वो टायर मैंने पिकअप कर लिया और मैंने दूसरे दुकान पे दे दिया। दे गिव मी 200 bucks, विच इज़ ओके, क्योंकि फ्री में देने से अच्छा कि 200 rupees मैंने कमा लिया विद माई ओल्ड टायर्स। एंड हैट्स ऑफ टू दोज HTF टायर्स दैट हैव टेकन मी 57,000 किलोमीटर्स। नाउ टाइम इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 232, तो अभी मैंने ऑलरेडी साइड का जो फुट स्टेप्स होता है वो मैंने निकाल लिया। रीज़न बींग द लास्ट 50 किलोमीटर्स रीचिंग टू मनाली इज हॉरिबल, विच टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 7 hours। सो इट इज़ अ कम्प्लीट ऑफ रोड एंड हैव टू ड्राइव 4-wheel लो ऑन दोज एरियाज। वाटर क्रॉसिंग्स वुड बी वेरी हाई। आई एम टू मच एक्साइटेड टू डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज मे बी दिस वुड बी अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी टू डू वाटर क्रॉसिंग्स एंड ड्राइव इन दोज काइंड ऑफ रोड और टेरन, वॉट यू कॉल। सो अभी शाम को जा रहे एक और जगह। अरे यार
मरने के लिए है क्या? शाम को जा रहा हूँ मैं एक और जगह पे जहाँ पे आई वुड बी बाइंग अ टू स्ट्रैप, वो खरीदना है। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, कभी स्लश ज़्यादा हो गया तो मैं फंस गया, मुझे हेल्प करेगा कोई निकालने में, या तो कोई और फंस गया उसको हेल्प करूँगा मैं निकालने के लिए। सो लेट्स की प्रिपेयर्ड। और मुझे डीजल पकड़ रखने के लिए आई नीड टू हैव अ 10 लीटर्स ऑफ टैंक। ऑलरेडी 10 लीटर तो मेरे पास है और 10 लीटर टैंक मुझे चाहिए होगा टू कीप द डीजल, क्योंकि काजा के बाद मुझे डीजल बिल्कुल कहीं पे भी नहीं मिलेगा टिल मनाली। सो काजा टू मनाली इज़ नॉट वेरी फार, 200 किलोमीटर्स, बट इट टेक्स ऑलमोस्ट अराउंड 3 डेज टू क्रॉस। सो वो सबसे बड़ा टेरन होगा फॉर मी टू ड्राइव। थक गया हूँ मैं। सो एनीवे गाइस, शाम को 5 बजे मिलते हैं। अभी तो मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो खाना खाता हूँ और आपको 2 सेकंड में मिलता हूँ एट 5 PM इन द इवनिंग। यस, फाइनली आई एम रेडी अगेन एट 5 o'clock। अभी 5 नहीं बज रहा है, 5:49 हो गया, निकलने वाले थे 5 बगट हो गया 5:49। व्हाट आई हैव डन इज दैट गाइस, आई रिमूव द फूड पैक्स नाउ, आई शो यू बिकॉज ऑफ द हाइट। यहाँ पे था मेरा फूड पैक्स, था फूड रस्ट, था ये फूड रस्ट मैंने निकाल दिया ऑलरेडी। एंड वॉट नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस मड फ्लैप्स, बिकॉज जब भी आप ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो मड फ्लैप कैन हिट एंड द मड फ्लैप कैन ब्रेक। सो वाई ब्रेक व्हेन यू कैन रिमूव इट? यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग, कभी भी ऑफ रोडिंग का कुछ भी हो यू शुड ऑलवेज गेट प्रिपेयर योर सेल्फ। तो इसलिए मैं शाम को गया था, आई वॉन्टेड टू बाई अ टू रोप, TOW2 रोप, ताकि मैं कहीं पर स्लश में फंस जाऊँ या फिर रॉक्स में फंस जाऊँ तो somebody कैन हेल्प मी आउट, और इफ़ somebody gets struck, आई कैन हेल्प हिम आउट टू कम आउट ऑफ द स्लश और कम आउट equipped. सो दैट्स द रीज़न मैंने खरीदा है अ टू रोप, विच इज़ आई शो यू, दिस इज़ अ टू रोप विच कैन टेक ऑलमोस्ट अराउंड 3 to 5 tons. ये रोप अभी मैं फ़िलहाल में ओपन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ 4-5 meter लॉन्ग एंड दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग इनाफ टू टेक आउट अ व्हीकल। और इसका सिर्फ ये लेने से नहीं होगा, बिकॉज इसको बांधने के लिए वी रिक्वायर समथिंग कॉल अ शैकल। शैकल इज़ नथिंग बट विच इज़ आई शो यू विच इज़ अ, सो दिस इज़ कॉल्ड अ शैकल। ये जनरली क्या होता है, ये टो रोप को बांधने के लिए यू हैव टू टेक दिस कम्प्लीटली फ्रॉम इन साइड एंड मेक श्योर ये ऐसे आ गया एंड देन ये आप यहाँ से घुसा के नाउ यू टाइटन इट अप। सो दिस बिकम्स काइंड ऑफ अ कैरबिनर। आप आगे वाला गाड़ी में टू रूप का अनदर एंड लगा के ये शैकल लगाना पड़ता है। सो दिस इज द यूज ऑफ अ शैकल, इसको शैकल बोलते एंड इट इज़ बिंग लाइक दिस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव टेकन अनदर थिंग, बिकॉज मेरा लगेज बहुत रहेगा जिसकी वजह से मुझे गाड़ी का ऊपर रूफ में मुझे माउंट करना पड़ेगा अपने लगेज। एंड लगेज को आप बांधोगे कैसे? यू कैन टाई इट विद अ रोप डेफिनेटली, बट आई प्रेफर नॉट टाइंग इट विद अ रोप, क्योंकि रोप का क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंस से आप जितना गाड़ी का मूवमेंट होगा उतना सामान हिल जाएगा, बिकॉज रोप इज अगेन अ रोप। Now for this is again a rope, orange color rope, my favorite color because KTM. तो इसको क्या करना है, this is a mechanism, ये आप कहीं पर भी कोई भी हुक में फंसा दो and then मैं first time कर रहा हूँ। सो इट्स वेरी इजी टू डू इट, ये मैं एक्चुअली बैठे बैठे आधा घंटा मुझे लग गया देखने के लिए हाउ टू यूज़ दिस। This is nothing, we have to just make it straight and then इस रोप को यहाँ से मुझे अंदर घुसाना है and then I have to just roll it like this and इसके बाद we have to just keep on doing like this, जिसमें ये already tie up होना शुरू हो गया है, ये roll हो रहा है already. Now if I want to release the rope, this will not come out at all. If I want to release the rope, मुझे इस हिस्से को पकड़ना है, यहाँ पे दिस अ ब्रेक, और ये ब्रेक पकड़ के मुझे जस्ट इसको खींच देने से ये मेरा कंप्लीट रोप ऐसे करके निकल जाएगा, दैट्स इट। सो वेल दीज आर द थिंग्स गाइस विच एक्चुअली मेक थिंग्स ईजियर, बिकॉज पहले क्या होता था वी यूज टू एक्चुअली टेक नॉर्मल रोप एंड देन यूज इट। दिस इज़ अ 5 meter लॉन्ग रोप
एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मटेरियल, इसमें सामान ऊपर कैरियर में बांधने का काम आ जाएगा. सो आई होप ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर यूजफुल टू यू ऑल, बिकॉज ये वेन एवर यू गोइंग फॉर अ लॉन्ग राइड, लॉन्ग ड्राइव, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो चलो गाइज, इट इज़ ऑलरेडी 11:30, सो आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग, मे बी 10 बजे तक ये ब्लॉग मेरा आ जाएगा आप लोगों को. And I'll enjoy the vlog. Hope you enjoy this video. If you enjoy this video, please don't forget to give this video a like and do subscribe to our channel. With that said, Raj signing off. Do take care. God bless you. God bless you. Bye-bye. We'll see you soon on a brand new day, on a brand new episode. Until then, bye-bye. Good night.